हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, जो आप देख पा रहे हो, प्लास्टिक हैंगर के ऊपर है। तो बेसिकली मैं एक कंपोनेंट डिजाइन कर रहा था, थोड़ा सा टिपिकल कंपोनेंट है, जो सिंपल प्लास्टिक हैंगर आता है ना, वो जैसा नहीं है, थोड़ा अलग है, आप देख पाओगे। तो इसमें अलग क्यों है, इसमें अलग ये है, जिसमें आप देख पाओगे हम यहाँ पे लिविंग इंस यूज कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे लिविंग इंस यूज कर रखा है। और इसको हम रिट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे अलग से एक सपोर्ट दे रखा है, ठीक है। तो इसकी एक थ्योरी होती है, कैलकुलेशन होता है, उसके बारे में बताऊंगा आगे। उसके बाद जो मैं यहाँ पे रिब्स वगैरह यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख पाओगे रिब्स वगैरह यूज कर रखा हो, यहाँ पे देख रहे हो इसको पकड़ बनाने के लिए अलग से मैं मैकेनिज्म यूज कर रखा हो, ठीक है। तो ये सारा तरीका कैसे बनाऊंगा, क्या क्या इसकी स्टैंडर्ड लूंगा, कैसा कैसा होता है, रिब्स की क्या कैलकुलेशन होती है, कितना थिकनेस होना चाहिए, इसकी हाइट कितना होना चाहिए रिब्स का, तो हर एक चीजें मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट तक जुड़े रहना। जो भी चीजें क्वेश्चंस वगैरह पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एक एक क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो मेरा प्लास्टिक मटेरियल है वो कौन सा प्लास्टिक मटेरियल है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये जो मेरा प्लास्टिक होगा ना, जितना भी हैंगर वगैरह बनता है ना, वो बनता है पीपी का, एबीएस का भी बनता है, लेकिन हम जो है यहाँ पे पीपी का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो मेरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का हम क्या देखेंगे, वेट देखेंगे। वेट देखने के लिए आप डेंसिटी से भी देख सकते हो और जो है डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखने के लिए हम यहाँ पे ले जाके सॉलिड बॉडी करके यहाँ पे राइट क्लिक करके एसएन मेटल में चले जाएंगे, ठीक है। तो एसएन मेटल जाने की बात, आपको यहाँ पे ये देखना है ये मेटल कौन सा है। तो मेरा जो है मेटल पीपी में है, तो यहाँ पे मैं पॉलीप्रोपिलीन ले लूंगा, ठीक है। पॉलीप्रोपिलीन के बाद जो है इसकी जाऊंगा सीधा मेजर बॉडी, कहाँ मिलेंगे आपको वेट निकालने के लिए, एनालिसिस में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे मेजर बॉडी। मेजर बॉडी में जाने के बाद इसको क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके इसकी वेट निकाल लोगे, ठीक है, मास निकाल लोगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो जो मेरा मास निकल के आ रहा है, कितने का आ रहा है, केजी में आता है, इसको आपको कन्वर्ट करने पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो है 30 ग्राम का आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मेटल कौन सा है, पीपी में है, कितने ग्राम का आ रहा है, 30 ग्राम का ये बन के आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले जो है इसका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप लोग मेरे से प्रोडक्ट डिजाइन सीखते हो, प्रोडक्ट डिजाइन का भी क्लास करता हूँ, तो जो प्रोडक्ट डिजाइन का जो मैं फीस लेता हूँ, फीस मैं बनाने का फीस नहीं लेता हूँ, फीस लेता हूँ मैं इस बात की, जहाँ पे ये लिविंग हिंज है तो इसकी क्या थ्योरी है, कैसे है। कभी कभी लिविंग हिंज जो होती है ना, टूट जाता है। बहुत लोग क्लिप टॉप कैप वगैरह बनाते हैं, बनाते बनाते क्या होता है, हिंज टूट जाता है, लेकिन हमारा जो हिंज जो होता है ना, वो टूटता नहीं है, क्योंकि हम सही कैलकुलेशन से बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीजें जो है, अब जो ये रिब्स वगैरह बनाते हो, रिब्स में क्या होता है, सिंक मार्क आ जाता है इसमें, कभी कभी लोग रिब्स यूज करते हैं, रेंडमली यूज करते हैं, वहां बहुत लोग की वर्कपेस वगैरह आ जाता है। तो वर्कपेस को प्रॉब्लम को इलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे रिब्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरा क्लॉच होता है, अब देखोगे ये जो क्लॉच है ये उस पर्सन अंदर की तरफ है, ठीक है। इसको जो है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अलग से यहाँ पे मैकेनिज्म मेरे को यूज करना पड़ रहा है, और उसको पकड़ बनाने के लिए यहाँ पे मैं कैचर दे रखा हूँ, ठीक है। ये अलग अलग जो कैचर है, ये इधर भी है और यहाँ पे इंटरनली भी कैचर दे रखा हूँ, ठीक है। तो आपको जो ये मैकेनिज्म है, इसके लिए मैं फीस लेता हूँ, और जो मैं डिजाइन बनाऊंगा वो आपको 95% फास्ट ट्रायल में आपको ओके मिलेंगे, ठीक है। तो वो सारा चीजें हम लेके ही बनाते हैं, जो भी डिजाइन बनाते हैं, जिस पार्टी के लिए भी बना रहा हूँ। तो ये मेरा जो डिजाइन है अभी मैन्युफैक्चर होने वाला है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन जो है फाइनल स्टेज में है, उसके बाद जो है इसकी हम टूल डिजाइन भी करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने देखोगे तो पूरा रिब्स वगैरह जो है कैसे किया, डायगोनली वगैरह भी यूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट यूज नहीं करूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट का जो टियरिंग होंगे ना, जो प्रोडक्ट का आपका सीआरएन टियर होंगे ना, तो शेयर फोर्स लगेंगे इस तरफ से लगेंगे, मतलब किस डायरेक्शन में लगे, ऐसे डायरेक्शन में लगे, ऐसे डायरेक्शन में लगाओगे तो आपको सीधा जो है रिब नहीं देना है, इसको रिब को डायगोनली देना पड़ेगा। तो ये भी एक साइंटिफिकली आपको सोच के बनाना पड़ता है जो भी चीजें बनाओगे। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एरिया कम है, ठीक है, यहाँ पे एरिया कम है, लेकिन यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आएंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं अलग सा एक इसकी जो है प्लास्टिक का जो फ्लो है उसको फ्लो को सेंस कर रखा हो, इसका थोड़ा सा शेप में दे रखा हो, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे कहीं पे भी जो आप जितना भी फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स को बियर कर लेगा इस एरिया में। तो यहाँ पे रिब्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिब्स देने का दो मतलब है, एक तो अलग से आपका जो एक क्लिपिंग आ रखा है, क्लिपिंग के लिए आपको अलग से सपोर्ट देना पड़ेगा, तो इस एरिया में आपको रिब्स वगैरह देना पड़ेगा, तो ये पर्टिकुलर एरिया में आपको रिब्स देना ही पड़ेगा, इस एरिया में आपको रिब्स देना ही पड़ेगा। कैचिंग के लिए जो क्लॉच होगा आपको कैचिंग के लिए इस तरीके से कैचिंग आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे भी जो है कैचिंग दे रखा हूं मैं। दूसरी चीज आपका जो रिब में आता है, अब जो रिब होता है, रिब कैसा होता है, आप देखोगे यहाँ पे मेरा 1.6 mm का थिकनेस है, देखो मेरा पार्ट थिकनेस जो है ना 1.6 mm का है, पीपी में बना रहा हूँ। अगर मैं 1.6 mm का लेता हूँ तो यहाँ पे कितने mm का मेरा रिब की थिकनेस होना चाहिए, रिब की थिकनेस हमेशा 50-60% होना चाहिए पार्ट थिकनेस के ऊपर, ठीक है। तो याद रखना कितना परसेंट होना चाहिए, 50 से, मैं एक बार ड्रॉइंग बोर्ड में आ जाता हूँ, 50 से आपका 60%, 60 से ऊपर नहीं जाना है, 50 तक ही आपको रखना है, ठीक है। तो 60% से इतना तो मिनिमम थिकनेस होना चाहिए, रिब का, ठीक है।
और दूसरी चीज है इसकी हाइट कितना होना चाहिए, जो आपके वीट होगा ना, जो आपकी वीट होगा इसका मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अगर मैं इसकी 1 mm ले रहा हूँ ना, अगर मैं ये 1 mm का ले रहा हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 3 mm का, ठीक है। तो ये होता है इसकी, जब भी बनाते हो ये मेरा जो थ्योरी दे रहा हूँ आपको, इसको दिमाग में घुसा लो, हर जगह काम आएगा ये, आपको आना ही आना है, ठीक है, आना ही आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ले कि अभी भी रिब डिजाइन बनाओगे तो कोई गलती होने का चांस आपका रिब में नहीं है, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे जो मैंने रिब बना रखा हो, इसको अगर मैं थिकनेस एनालिसिस करता हूँ ना, थिकनेस एनालिसिस करने के बाद आपको पता लग जाएगा मेरा रिब्स जो है सिंग मार्क फैलेंगे या नहीं फैलेंगे। देखो आप अगर थिकनेस जो है 0.8 का रख रहे हो और जो इसकी हाइट ज़्यादा दे रहे हो, वैसे भी नहीं होना चाहिए, हाइट और जो चीज़ें आपका मैचअप होना चाहिए। देख पा रहे हो यहाँ पे कोई रेड कलर का इंडिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सारा चीज़ें ओके है, ठीक है, ठीक है, सारा चीज़ें यहाँ पे ओके है, कोई दिक्कत नहीं आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसमें जो है आपको किसी तरीके से भी जो है ना नहीं आएंगे, किसी तरीके से आपकी सिंग मार्क का प्रॉब्लम नहीं आएंगे, सिंग मार्क और वर्क पेस, ठीक है। वर्क पेस का भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन यहाँ पे वर्क पेस का भी जो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इतना लंबा एरिया है, दो रिब्स से ये काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमने वर्टिकली रिब्स दे रखा हो, उसको जो प्रॉब्लम होगा उसको हमको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और दूसरी चीज़ जो होती है, हम यहाँ पे लिविंग यूनिट यूज कर रखा है। बेसिकली ये क्या करता है, जब ये क्लॉथ रखते हो ना, तो यहाँ पे जो क्लॉथ होती है जैसे जैकेट्स वगैरह होती है, इसके लिए इस तरीके से डिजाइन बनाना पड़ता है। तो जैकेट्स वगैरह के लिए आपको बहुत डिजाइन बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये हैवी लोड एप्लीकेशन करेगा। अगर इसको मैं जैकेट को यहाँ से लेके यहाँ पे लॉक करूंगा तो ये एरिया कितना है, ये गिरने का चांस है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे एक सपोर्ट देना पड़ेगा। इसकी ऑपोजिट में ये सपोर्ट आपको देना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कैचर अंदर भी देना पड़ेगा और कैचर बाहर भी देना पड़ेगा। अब जैकेट की लोड ज़्यादा है, अगर मैंने इस स्टेज में इसमें मेरा 4 हैंगर लगा रखा हो, जो मेरा प्लास्टिक हैंगर है, मेरे 4 हैंगर लगा रखा हो, तो हैंगर कैसे हो जाएगा, यहाँ पे बैंड हो जाएगा। ये देखोगे ना, यहाँ पे देखो थोड़ा सा एंगल में है, ये एंगल पे है, और ये और ज़्यादा एंगल हो जाएगा। एंगल ज़्यादा हो जाएगा तो ये लिविंग हिंस जो है ज़्यादा प्रेशर ले लेगा, उसके लिए अलग से ये सपोर्ट देना पड़ेगा। ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में ज़्यादा मोड़ने नहीं देगा, मोड़ने भी देगा क्योंकि लिविंग हिंस दे रखा हो, तो कुछ सर्टेन डिग्री जैसे 6 से 8 डिग्री तक ये ले लेगा, उसके बाद इसके क्या करेगा, रेसिस करेगा इसको, ये डिग्री जो है ना रोटेशन को ये रेसिस कर देगा। तो ये कितना मतलब मैकेनिज्म है, कितना सोच समझ के बना रहा हो, कितना क्या चीज़ें डाल रहा हो, ठीक है, तो उसी हिसाब के लिए पैसा लेता हूँ, कोई बनाने का कोई पैसा नहीं लेता। ये जो दिमाग लगाते हो ना उस बात की ये पैसे लेते हैं, जो आपको सिखा रहा हो ना सारा चीज़ें, कल आप कैसे भी बनाओगे, किस तरीके से बनाओगे, क्या सोच के बनाना पड़ेगा, क्या इसकी टेक्नोलॉजी है, अंदर इसकी क्या इंजीनियरिंग है, हर एक चीज़ें आपको सोच सोच के समझ के बनाना पड़ेगा। समझ आए मेरी बात को, ये था पूरा इसकी डिज़ाइन। इसमें भी आपको अगर कुछ चीज़ें पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कि बहुत कुछ चीज़ें आपको समझना है इस चीज़ में, कैसे कैसे इसको बनाया, क्या क्या बनाया। अगर इसके ऊपर पूरा प्रोडक्ट डिजाइन का वीडियो चाहिए, अगर किसी को क्लास वगैरह ज्वाइन करना है प्रोडक्ट डिजाइन का, तो आप नीचे नंबर मेंशन है, अलग अलग कंपोनेंट के ऊपर कराते रहता हूँ, सारा चीज़ें कैलकुलेशन से कराऊंगा, ठीक है। हर एक चीज़ें प्लास्टिक का ऑटोवेल भी कराते हो, हाउस होल्ड भी कराते हो, इलेक्ट्रिकल भी कराते हो, अलग अलग टाइप का भी कंपोनेंट कराता हूँ, ठीक है। तो एक बार नीचे नंबर है मेंशन है, आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें कराऊंगा इसके डिटेल में बात कर सकते हो आप जाके। तो आज का वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। जिसको भी कुछ चीज़ें पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना जो भी क्वारीज वगैरह है आप वो चीज़ें पूछ सकते हो, और किसी को भी क्लास वगैरह के लिए ज्वाइन करना है नंबर भी है मेंशन, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।